तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक रोमांटिक साइफाई फिल्म ए राइजिंग तो कहानी की शुरुआत होती है शताब्दी से जहाँ हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटीज यानी पूंजीवादी समाज पृथ्वी के को पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं और ये अब उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो पृथ्वी पर बैलेंस बनाए दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज अपने स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाने का सोच रही हैं ताकि वो दूसरे प्लेनेट पर रिसोर्सेज ढूंढ पाए उन्हीं में से एक कंपनी है एडल रेजी कॉरपोरेशन जो अपना एक मिशन लॉन्च करने वाला है अल्फा सेंट री एक्सप्लोर करने के लिए ताकि फ्यूचर में उस प्लैनेट को कॉलोनाइज किया जा सके कंपनी के तरफ ऐसी उड़ान के पहले सोशल इंजीनियर मिलुटिन का इंटरव्यू लेती है उसके साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को देखने के लिए सोशल इंजीनियर उसे पूछती है उसके सबसे लंबे सफर के बारे में जो था मार्स का मिशन मिलुटिन बता रहा होता है कि बाकी के क्रू मेंबर से उसका सोच थोड़ा अलग होता है इसलिए कभी कभार उसका मिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन वो मिशन कम्प्लीट जरूर हुआ था सोशल इंजीनियर उसे पूछती है इंटीमेसी के बारे में वो भी सफर के दौरान मिलुटिन कह रहा होता है की पुराने रिलेशनशिप के समय वो काफी लापरवाह था और उसे एहसास हुआ की ऐसा करने के वजह से वो खुद को और बाकी क्रू मेंबर को खतरे में डाल रहा है सोशल इंजीनियर उसे कहती है उसके साथ एक और औरत भी होगी जो अल्फा सेंटोरी जाने वाली है मिलुटिन कहता है कि एक औरत के यहाँ पर होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है सोशल इंजीनियर उसे भरोसा दिलाती है कि वो जो औरत है उसका नाम है निमानी और वो थोड़ी अलग है क्योंकि वो एक एंड्रॉयड है और उसके अंदर पाँच तरीके के बिहेवियर इंस्टॉल किए गए हैं और वो अपने इच्छा अनुसार उस रोबोट से कुछ भी करवा सकता है मिलुटिन ये सब सुनकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगता और वो कहता है की निमानी उसके लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं होगी सोशल इंजीनियर इंजीनियर उसे बताती है कि निमानी के अंदर खुद से नई नई चीजें सीखने की कैपेबिलिटी होगी और वो उसे ये भी कहती है कि निमानी मिलोटिन को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी मिलोटिन पूछता है कि कि क्या वो चुन सकता है उसकी एंड्रॉइड किस तरह दिखेगी सोशल इंजीनियर कहती है कि तुम पहले चूज कर ही चुके हो सोशल इंजीनियर उसे कहती है कि तुमसे बात करने का मकसद यही था कि रोबोट को क्या अपीयरेंस दिया जाए इसके बाद कंपनी निमानी के फिजिकल अपीयरेंस को एडजस्टमेंट करने लगते हैं सोशल इंजीनियर चाहती है कि निमानी सुंदर दिखे और उसका चेहरा मिलुटिन के माँ की तरह हुबहु मिले जब वो अपने जर्नी के लिए तैयार हो रहा था उसका कंप्यूटर उसे इन्फॉर्म करता है के के तीन अलग तरह मोड होते हैं पहला है रिकमेंड मोड कंपनी कंपनी के द्वारा दिया गया प्रोटोकॉल को ये शिप को फॉलो करके कंट्रोल खुद जिसमेगा दूसरा है कस्टम मोड जिसे पायलट खुद इस जहाज को कंट्रोल कर सकता है तीसरा है एडवांस मोड जिसे की पायलट कंपनी के दिए हुए गाइडलाइन को ओवर करते हुए अपने तरीके और नियम बना सकता है लेकिन ये सिर्फ उन यूजर के लिए है जिनका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुका है सोशल इंजीनियर मिलुटिन के चुने गए कस्टम मोड को अप्रूव कर देती है और फिर आखिर में स्पेस से में, में डाल देता है मिलुटिन को ऐसा लगता है की एंड्रॉइड से इंटरेक्ट करना उसके लिए थोड़ा सा आसान नहीं होने वाला क्यूँकी वो भले ही एक खूबसूरत औरत की तरह दिखती है लेकिन उसका बिहेवियर नेचुरल नहीं लगता कहता है कि निमानी से जो भी कहा जाता है वो सब कुछ करती है बिना किसी ऑब्जेक्शन के लेकिन मिलुटिन ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो निमानी का भरोसा जीत सके इसके बावजूद वो निमानी के साथ अपने इंटीमेसी वाले जरूरतों को पूरा जरूर करता है वो उस रोबोट को कन्वर्सेशन मोड में डाल देता है और निमानी उसे पूछती है उसके पिछले रिलेशनशिप के बारे में पिछले रिलेशनशिप में मिलुटिन के साथ क्या हुआ था मिलुटिन उसे कहने लगता है की उसे इंटीमेसी प्रॉब्लम है निमानी उसे कहती है की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो होते ही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान तुम्हारे लिए गलत हो सीरियसली नहीं लेता उसे लगता है, है।, है, है।, है उन्हें भी प्रोग्राम किया गया होगा उनका सफर जारी रहता है और मिलुटिन निमानी के बाकी बिहेवरियल मोड को चेक करता है और एक दिन उसे समझ आ जाता है की यह एंड्रॉय थोड़ी सी शर्मिली है निमानी के डांस करने के बाद मिलुटिन उसे जबरदस्ती किस करता है और थोड़ी सी झिझक जाती है लेकिन उसके बाद भी मिलोटेन उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करता है जब वो सो रहा था तो निमानी थी और अपने लिए सफर निमानी के बगैर आसान होता क्यूँकी उसे अकेले काम करना पसंद है लेकिन फिर भी वो कहता है की दोनों के बीच मेल जोल अच्छी तरह बन रही है सोशल इंजीनियर मिलुटिन से कहती है निमानी को सर्विस मोड में डालने के लिए जिसके बाद वो एंड्रॉइड से मिलुटिन के साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में बात करने लगती है और निमानी बताने लगती है, की दिमागी हालत अब है और वो अपने के बारे में होते हैं, जैसे के उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए मीटिंग खत्म होने के बाद मिलुटिन कंप्यूटर से पूछता है कि आखिर निमानी उसके ऊपर नजर क्यों रख रही है कंप्यूटर उसे समझाता है कि उसे इंटरेक्ट करने के बाद निमानी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रही है वो खुद का एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है मिलुटिन सोचता है क्या निमानी के फाइल से उसके को डिलीट किया जा सकता है लेकिन ये तो सिर्फ एडवांस यूजर को ही अलाउड है अब जैसे जैसे समय बीतता है निमानी से प्यार करने लगता है जब एक बार जहाज के बाहर वो मेंटेनेंस का, का काम कर रहा था निमानी उसे कहती है की कुछ सेकेंड के अंदर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो मिलुटिन से कहती है वापस अंदर आने के लिए क्योंकि वो उसे मिस कर रही है मिलुटिन फ्लर्ट करते हुए कहता है दोबारा ये बात दोहराने के लिए लेकिन वो नहीं कहती एक दिन मिलुटिन निमानी को झगड़ा करने के लिए उसका मोड चेंज कर देता है और कुछ समय के बाद ही निमानी उसके पास आती है और मिलुटिन के खराब हाइजीन को लेकर उसे बहुत डांटती है इसके बाद वो निमानी को मोड में डाल देता है और तभी अचानक से उस रोबोट का बात करने का तरीका एकदम बदल सा जाता है लेकिन रोबोट मिलुटिन से कहती है की तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं मिलुटिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है झगड़े के बीच में निमानी ने जो कुछ भी कहा इसीलिए वो कंप्यूटर से पूछता है की अगर निमानी से टीफा आने इंस्टॉल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा कंप्यूटर बताता है की निमानी फिर भी काम करेगी अपना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो वो अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर बना रही है कंप्यूटर उसे वार्न कर देता है की ऐसा होने पर रोबोट का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा टीफा के सॉफ्टवेयर के वजह से ही इंसानों की बात रोबोट मानती है कहने का मतलब ये है कि निमानी के अंदर से टीफा हटाने के बाद वो एक तरह से इंसान बन जाएगी यानी कि वो अपने मन मुताबिक काम कर पाएगी कंप्यूटर उसे यह भी कहता है कि निमानी के अंदर थेरेपी देने की क्षमता भी है जो मिलुटिन के मेंटल हेल्थ को आराम दिला सकती है इसीलिए वो उसके साथ थेरेपी सेशन में जाता है जहाँ वो काफी क्यूरियस था अचानक निमानी के अंदर आए बदलाव को देख कर वो सोचता है की निमानी एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप कर रही है मतलब कि वो इंसान की तरह बर्ताव कर रही है लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है किसी तरह वो निमानी को रोक रही है मिलुटिन कहता है कि अब वो सोच नहीं पा रहा कि निमानी अगर आजाद हो गई तो वो क्या क्या कर पाएगी वो ये भी कहता है कि एक बटन दबाकर वो निमानी के साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन वो कभी निमानी का गंदा इस्तेमाल नहीं करेगा फिर निमानी निमानी अपना इंटी वाला बटन दबा कर उसे किस करने लगती है निमानी के हार्डवेयर चेकिंग के दौरान कंप्यूटर उसके अंदर अचानक टेम्परेचर इंक्रीज डिटेक्ट करता है और इसीलिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है जिससे एयर लॉक बंद हो गया था और निमानी अनकॉन्शियस हो गई थी गुस्से में दरवाजे को पीट रहा था और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है प्रोटोकॉल बंद कर दिया जाता है और मिलुटिन निमानी को चेक करने जाता है और निमानी बताती है कि उसे रिबूट किया गया था क्योंकि उसका प्रोसेसर कुछ ज्यादा ही हीट हो गया था कुछ दिन के बाद मिलुटिन खुदी के अंदर से टीफा अनस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कंप्यूटर उसे याद दिलाता है की ऐसा करने के लिए तुम्हें एडवांस यूजर होना पड़ेगा और तुम्हें कंपनी के तरफ ऐसी सिक्योरिटी क्लियरेंस को भी पास करना होगा जब निमानी अपना बैटरी रिचार्ज कर रही थी मिलुटिन एक तार ऐसी छेड़छाड़ करता है जिससे पावर शॉर्टेज होता है और उनका स्पेस शिप रास्ते ऐसी भटक जाता है लेकिन मिलुटिन किसी तरह अपने जहाज को रास्ते पे ले आता है और कंप्यूटर उसे एडवांस यूजर का एक्सेस दे देता है इसके बाद वो अपने एक्सेस का इस्तेमाल करके निमानी के अंदर से डिफॉल्ट ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देता है कंप्यूटर उसे आगाह कर देता है क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत बुरा भी हो सकता है यहाँ तक निमानी उसकी बात नहीं भी मान सकती है लेकिन मिलोटेन कंप्यूटर की बात नहीं मानता निमानी के रिबूट हो जाने के बाद मिलोटेन उसे पूछता है क्या तुम आजाद महसूस कर रही हो निमानी उसे कहती है बिल्कुल भी नहीं क्यूँकी उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर है वो अभी भी उसी कंपनी के है जिन्होंने उसे बनाया मिलुटिन नि निमानी से अपने प्यार का इजहार करता है लेकिन निमानी कहती है कि तुम्हारा ये प्यार तुम्हें इस मिशन से भटका देगा वो ये भी कहती है कि वो शायद इस मिशन में बोझ बन गई है मिलुटिन के हवस के वजह से इसीलिए वो सोचती है कि वो अब एक दूसरे के साथ नहीं सोएंगे मिलुटिन उसे समझाता है ऐसा नहीं करने के लिए और वो उसे जबरदस्ती चूमने की कोशिश करता है लेकिन निमानी उसे धक्के देकर जमीन पे गिरा देती है अब ज्यादा इंटीमेट और सेक्स ना करने के वजह से दोनों का रिलेशनशिप दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था मिलुटिन को ऐसा लगता है कि निमानी सिर्फ जबरदस्ती करने के वजह से उसे सजा दे रही है लेकिन निमानी उसे समझाती है कि तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल है कि मेरे जैसे एंड्रॉइड बस एक काम के लिए ही बनाए जाते हैं उसे समझाता है की तुम्हारी तरह और कोई भी रोबोट नहीं है जो आजाद है निमानी उसे कहती है की तुमने बस मेरे अंदर से प्रोग्राम को अन इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर नहीं हटाया है मैं अभी भी उसी कंपनी की हूँ सोशल इंजीनियर से बात करते वक्त मिलुटिन उसे बताता है कि निमानी के अंदर से वो डिफॉल्ट सिस्टम इंस्टॉल कर चुका है और वो ये भी कंप्लेन करता है की निमानी ने उसे चोट पहुँचाने की कोशिश भी की सोशल इंजीनियर उसे कहती है की ये करके तुमने खुद को खतरे में डाल लिया और अपने किए का नतीजा तुम खुद भुगतोगे फिर वो कहती है कमरे से बाहर जाने के लिए ताकि वो निमानी से अकेले में बात कर सके सोशल इंजीनियर निमानी से पूछती है कि क्या वो अभी भी मिशन कंप्लीट करने के हालत में है एंड्रॉइड जवाब देती है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है मिलुटिन को सही रास्ते में लाने में सोशल इंजीनियर उसे पूछती है क्या तुम अभी भी कंपनी के नियम के मुताबिक काम कर रही हो निमानी हाँ कहती है और जवाब देती है की उसका प्रायोरिटी यह मिशन है अब जैसे जैसे दिन गुजरता है मिलोटेन बहुत ज्यादा डिप्रेस होने लगता है क्यूँकी उसका और निमानी का रिलेशनशिप अब पहले जैसा नहीं रहा सब कुछ खत्म हो चुका था एक दिन हेल्थ चेकअप के दौरान कंप्यूटर कहता है कि मिलुटिन का शरीर तो ठीक है लेकिन उसका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से टूट चुका है निमानी भी गौर करती है कि मिलुटिन का मूड और उसका भूख पूरी तरह से मर चुका है कंप्यूटर निमानी से पूछता है उसके सेक्सुअल डिजायर के बारे में जिस पर वह कहती है

मानी को इंसान बनाने में निमानी उसे पूछती है कि तुम मुझे शट डाउन क्यूँ नहीं कर देते अगर तुम्हें मुझे देखकर इतना ही दर्द होता है लेकिन मिलुटिन कोई जवाब नहीं देता कुछ समय के बाद कंप्यूटर से बात कर रही होती है की मिलुटिन के डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए कंप्यूटर कहता है की अगर डिप्रेशन को खत्म करना है तो कारण को भी जड़ से खत्म करना होगा निमानी समझ जाती है की डिप्रेशन का कारण वो है लेकिन वो खुद को शट डाउन नहीं कर सकती क्यूँकी उसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल नहीं है और वो सोचने लगती है कि उसे किसी तरह खुद को बंद करने के बारे में सोचना होगा एक दिन मिलुटिन नीमानी के आंख से आंसू गिरते हुए देखता है जब वो खुद को रिचार्ज कर रही थी उसे लग रहा था कि नीमानी सिर्फ रोने का नाटक कर रही है लेकिन वो बहुत डर जाता है जब वो देखता है कि बैटरी बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका था कंप्यूटर मिलुटेन से कहता है कि बैटरी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है नीमानी बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और उसके बर्ताव में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है कंप्यूटर यह भी खुलासा करता है की कंपनी के नियम को फॉलो करते हुए नीमानी पहले कभी नहीं रोई इसका मतलब मतलब ये हो सकता है कि अनिमानी खुद ही रो रही थी मतलब कि अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल खुद कर सकती है निमानी के बैटरी को चार्ज करना है तो उसके बैटरी को सोलर सेल रिचार्ज में लगाना होगा और अगर उसका बैटरी रिचार्ज नहीं किया जाता है तो आधे घंटे के अंदर उसका सारा सेटिंग मिट जाएगा जहाज के ब्लू को देख कर समझ जाता है की उसके बैटरी को तुरंत सोलर सेल से कनेक्ट करना होगा लेकिन प्लग पॉइंट जहाज के बाहर है कंप्यूटर उसे सावधान कर देता है की फिलहाल रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है पर फिर भी मिलुटिन निमानी के बैटरी को लेकर बाहर चला जाता है रिचार्ज करने के लिए और जैसे ही वो बैटरी को प्लग करता है कंप्यूटर देखता है कि बैटरी को रिचार्ज होने में आठ मिनट लगेंगे लेकिन निमानी का पावर बस दस मिनट के लिए टिक सकता है बैटरी पूरी तरह से रिचार्ज अभी हुआ नहीं है लेकिन मिलुटिन का स्पेस सूट रेडिएशन के वजह से बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और उसके चेहरे पर भी जलन के निशान दिखाई दे सकते हैं जो रेडिएशन के वजह से हो रहा था अब आखिरकार बैटरी रिचार्ज हो जाता है और निमानी के पास सिर्फ तीन मिनट बाकी है मिलोटेन जल्दी से अंदर आकर बैटरी को रोबोट से जोड़ देता है लेकिन मिलुटिन अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है कंप्यूटर की मदद से निमानी को होश आ गया था और निमानी मिलुटिन को अपनी बाहों में उठाकर उसे चूमती है लेकिन अब मिलुटिन को होश नहीं आ रहा निमानी को बचाने में मिलुटिन की जान चली गई और इसी के साथ ये साईफाई मूवी यही पर खत्म हो जाती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर